भी आपके अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। सुबह के कई बजे होंगे, कई बजे है मेहमान? कब मेहमान बतावा? ये मेहमान हमारे शर्मा से टाइम बताऊ, 8 सुबह के 8 बजे है और हम सब लोग नहा धो के तैयार होके चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। पूरी बहनों की पार्टी है, भाभी थी पीछे एक और आगे पूरी फैमिली यहीं पे है। तो आज का जो व्लॉग है विदाई स्पेशल होगा। चलिए यहाँ पे देखो किसको, भाभी कहाँ चली गई? खाने जा रहे हैं लेकिन क्या खाने जा रहे हैं पता नहीं है। क्या खाने जा रहे हैं पर क्या खाने जा रहे हैं ये नहीं पता। पता नहीं क्या खा दो ना, क्या है ये देख लीजिए आप लोग बताइए क्या है, क्या खा रहे मेहमान, क्या है बता दीजिए इसका नाम। अच्छा दम आलू। दीदी को देखिए नहा दो। चाचा धीरे में खाना ठीक। जलेबी मानसी को मिल गया, तुमको भी मिल गया, क्या क्या मिल गया? दम आलू और ये भुंजिया है, मिल गया क्या? और आपको भी वह मौसी से लो ना, हटो हम देते आपको, वह मौसी दे रही है, ले लो उधर से जाके ले लो, पकड़ो लो ना, पकड़ो इस पे रख के खाओ ये। अच्छा कोई गिराया है इस पे, तीखा है। जलेबी चाहिए आपको? जलेबी 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 पहुँच गया, निकालो निकालो। इडली वड़ा, इडली वड़ा सबके लिए फटाफट करो। आ गया अंश भी तैयार होके अपने बड़े पापा के साथ। भुजिया भुजिया किसके भुजिया नहीं पड़ी भैया, भुजिया नहीं। ए चाचा मेरे कब से मांग रहे, तुमको नहीं सुनाई दे रहा? लो बैठ के आपको खाना है, नहीं कपड़े पे गिर जाएगा। अच्छा कहाँ बैठबो, कहाँ भैया चेयर। इधर हो चुका है समय दोस्तों दुल्हन को तैयार करने का और दुल्हन की विदाई का। अब सारे रीति रिवाज रस्म शुरू हो गए हैं। आज का वीडियो आप लोग पूरा फुल वॉच कीजिएगा। विदाई यानी सुबह नाश्ते से लेकर पूरा विदाई तक इतने अनेकों रीति रिवाज रस्म होते हैं, सारे मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाती चलूंगी एक एक करके। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बुला रही है मौसी। तो दोस्तों अभी हम लोग बाहर आके बैठ गए हैं और अंदर चल रही है तैयारी नाचू होने की। तो नाश्ता करके बस हम लोग यहीं पे बैठे, नाचू होगी तो आप लोगों को दिखाएंगे। पीछे खड़ी है मनीषा और इधर मेरी बुआ कर रही है नाश्ता। इधर आ गया है भाई, वो देखिए बुआ दिख रही है ना सामने खड़ी है मम्मी बुआ सब लोग खड़े हैं कर लो आ रही, रुकी कर लो से बुलवाते हैं। कर लो नाश्ता। हाँ। कर ली नाश्ता की? हाँ सबको कराई। हम क्यों सबको कराए, कहे भैया रिश्तेदार है तो अकेले करेंगे, किसी को नहीं कराएंगे अपना खा लोगी बात और क्या, जिसको खाना है खुद जाके खाए ना, हम अपने अकेले खाते हैं। चलो ठीक है। रात में जब बारात आती है तभी शादी की स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन दुल्हन के पैरों में महावर सुबह लगाया जाता है जिसे हमारे यहाँ नाचू के नाम से जानते हैं। इस रस्म को नाचू बोलते हैं और दुल्हन के पैर में जो है महावर वो नाउन दादी लगाती हैं और अच्छे से पूरा सजा करके दुल्हन को डिज़ाइन वाली जो है वो आलता लगाया जाता है। और ये दुल्हन की माँ यानी बड़ी मम्मी हैं। दुल्हन का मुंह शॉल से या फिर किसी भी कपड़े से ढक दिया जाता है और दुल्हन के सामने इस तरह से आटे का 5 दीपक चावल और कुछ दक्षिणा नाउन दादी के लिए रखा जाता है। और ये दीपक अभी नाचू में काम परछन में काम आएगा बाहर चल के, अभी आप लोग देखते रहिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या होनी है। नाचू होने के बाद दुल्हन को जो है नीचे ले जाया गया और ये नाचू पीले कपड़े में ही दुल्हन को होती है। पीला कपड़ा लाल कपड़ा ये सारी चीज़ें शुभ मानी जाती है। तो दो साड़ी जो है वो लाल रहती है शादी में, एक साड़ी पीली रहती है जो इस रस्म के लिए रखी जाती है।
तो पीली साड़ी की जो रस्म थी वो हो चुकी है। सब लोग अभी छत पे बैठे हुए हैं। दुल्हन जो है वो नीचे जा चुकी हैं। दुल्हन को नाचू के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब दुल्हन को विदाई के लिए फिर से तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे बुआ और नान दादी में हो गया है अपने अपने नेक के लिए थोड़ा बहुत तू तू मैं मैं और बहुत सारे मजाक और मस्ती। चेहरे की स्माइल देख के आप तो अभी दोस्तों देखिए बुआ में और जो नाउन बुआ होती है उनमें सब में झगड़ा हो चुका है अपने अपने नेक के लिए। और लगभग सब लोग नीचे जा चुके हैं। कुछ कुछ लोग अभी बैठे हैं, बुआ लोग बैठे हैं, नाउन बुआ सब लोग अब नीचे चल रहे हैं। अब इंतजाम होगा, दूल्हे को कलेवा खिलाने का जो रिवाज होता है वो चालू होगा। दूल्हे का निवास क्या बोलते हैं, जनवास, हम लोग में जनवास बोलते हैं, वो पीछे था वो देखिए। तो अब कलेवा खिलाने जा रहे हैं सब लोग, तो चलिए नीचे चलते हैं वहीं पे दिखाते हैं। फिर उसके बाद विदाई होगी, फिर उसके बाद मुंह दिखाई होगी पीछे। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, पहले दुल्हन को विदा करते हैं और गाड़ी पे बिठाते हैं, फिर उसके बाद मुंह दिखाई होती है लास्ट में। तो वही सारी चीज़ें होनी है। और मौसम आज का ऐसा है ना दोस्तों, धूप निकला नहीं है, बिल्कुल ठंड लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है। अब मैं जा रही हूँ स्वेटर पहनने के लिए, पहले स्वेटर पहनने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वहाँ घर पर मम्मी के, फिर वहाँ मुझे पहनना पड़ेगा। पीछे मेरी बैठी है मौसी, पीछे मौसी बैठी है, उधर सरिता बैठी है, बुआ बैठी है, सब लोग यहीं पे बैठे। चलिए अब चलते हैं नीचे, फिर वही दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। छत से सारे लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे फटाफट से बुआ लोग, मम्मी लोग, दादी लोग, चाची लोग, सब लोग कोई ना कोई काम किसी ना किसी को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब कलेवा खिलाने का जो है वो इंतज़ाम चालू है। कलेवा खिलाना भी दोस्तों एक रस्म है, दूल्हे को कलेवा खिलाना अनिवार्य माना जाता है। तो दुल्हन को इस वाले रूम में ले आया गया और यहाँ पे दुल्हन को तैयार करवाया जाएगा। दुल्हन तैयार हो उससे पहले यहाँ पे ये चूड़ी वाली जो बुआ है ये आ गई हैं। देखिए ये भी रस्म के बीच का एक हिस्सा है। चूड़ी तो वैसे कहीं से भी लेके दुल्हन को पहनाया जा सकता है, लेकिन जो चूड़ी पहनाती हैं उनके हाथ से बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमारे यहाँ सब के शादियों में पहनाने के लिए यही आती हैं सुबह विदाई से पहले। और इनका जो नेक होता है वो दूल्हे वाले देते हैं, चूड़ी के जितने भी खर्चे होते हैं वो दूल्हे वाले देते हैं, दुल्हन की तरफ से नहीं दिया जाता है। तो वहाँ भी ये अपना नेक वगैरह मांगती हैं और दुल्हन को खूब अच्छी और भर भर की चूड़ियाँ पहनाती हैं। हो गई ये चीज़, दुल्हन को चूड़ी पहनाने के लिए बुआ जी बैठी हैं, लेकिन कलेवा उससे पहले खिलाने का जो रिवाज है हमारे यहाँ उसका यहाँ पे सारा चीज़ चल रहा है, तैयारी चल रही है। तो ये है बुआ, दुल्हन को तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन दूल्हे राजा भी यहीं पे आ रहे हैं क्योंकि वो जनवास में थे। उससे पहले, इनके आने से पहले इनका जहाँ पे इन्हें बैठना था वो जगह जो है वो कर लिया गया है तय कि यहीं पे बिठाना है। और इनके लिए स्टील की थाली, स्टील की प्लेट, स्टील का गिलास, यानी इनके साथ कई सारे बैठने वाले हैं, टोटल 5 से 7 या फिर जिनकी जिनकी इच्छा हो बैठ जाएं वो, लेकिन कम से कम 5 से 7 लोग ही होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें शुभ मानी जाती है और सुबह का टाइम हो रहा है ये। तो दूल्हे को यहाँ पे बिठाने के लिए बोल दिया गया है, तो ये यहाँ पे बैठेंगे। और बैठाते समय इन सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, पूर्व की तरफ बैठना है, पश्चिम की तरफ नहीं बैठना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। ये देखिए इनके तरफ के हैं, ये दूल्हे की तरफ से हैं। आजकल बाराती रुकते कहाँ हैं, पहले के ज़माने में तो बाराती रुकते थे, लेकिन अब के ज़माने में बाराती रात को ही भाग जाते हैं, कुछ गिने चुने जो है वो रह जाते हैं। तो वही सारे हैं राजा। इधर कलेवा खा रहे हैं और कलेवा खाते समय यहाँ पे जो संगीत होता है ना वो गाली वाली संगीत होती है, तो दूल्हे के भाई को, दूल्हे की मम्मी को, दूल्हे की बहन को यहाँ पे मजाकिया गीत होता है। तो ये भी एक रस्म होती है, ये चीज़ें भी अनिवार्य होती है। तो पीछे वहाँ पे दुल्हन को, दूल्हे के भाई को, उनके जीजा जी को, सबको उधर गीत पड़ रही है। और इधर ये देखिए
तैयार हो चुका है यहाँ पे मुदिखाई का रसगुल्ला, और इसके अंदर बम है। अभी आप लोग देखिएगा क्या पटाखा फूटने वाला है। ये मुदिखाई में ही आप लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों पहले मुंह दिखाई किया जाएगा, फिर उसके बाद परछन किया जाएगा, फिर उसके बाद दुल्हन की विदाई होगी। तो इस बार थोड़ा सा सही लग रहा है कि हर बार उल्टा लगता था, दुल्हन को विदा करके फिर उसके बाद मुंह दिखाई किया जाता था। तो मुंह दिखाई के समय इतना मज़ा आता है। सबकी शादियों में विदाई में खूब इंजॉय करते हैं, आप लोगों को भी खूब मज़ा आने वाला है। यहाँ पर भाभी जी तैयार हो गई हैं लाची लेने के लिए। मुँह दिखाई का सामान देने से पहले यहाँ पर लाची लेने का एक रिवाज है। ये देखिए दूल्हे राजा अपने टावल में लेते और इस तरह से जो भाभी जी हैं या मामी जी हैं वो लाची को लेती हैं। और यहाँ पे एक गेम होता है, अगर दुल्हन दूल्हे राजा ने थाली में दे दिया लाची तो ठीक है, अगर उनके हाथों से लाची गिर गई तो फिर उनको नेक देना पड़ता है, तब जाके भाभी जो है इनको उठाती हैं। तो दूल्हे राजा से तो हो गई है यहाँ पे चूक, उन्होंने लाची को गिरा दिया है नीचे, अब इनको देना पड़ेगा यहाँ पे नेक, फिर उसके बाद भाभी इसको उठा के रख रही हैं थाली में। तो यहाँ पे भी खूब मजे आते हैं, खूब मस्ती होती है। शादी मतलब शादी में के नाम से हम इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शादी में खूब रस्म खूब रीति रिवाज होने होते हैं। तो लाची की जो यहाँ पे रस्म थी दोस्तों वो हो चुकी है समाप्त, और उसके बाद सबसे पहले दूल्हे राजा को जो मुंह दिखाई है ना वो उनकी सासू माँ देती हैं, फिर उसके बाद मजाकिया वाले लोग जैसे साली सरहज मामी वगैरह ये सारे लोग हो गए, तो फिर ये सारे लोग देते हैं। और सासू माँ पहले देती हैं, फिर दूल्हे राजा का पैर छूती हैं क्योंकि अपनी बेटी को उन्होंने इनको सौंप दिया और वो दामाद जी हो गए। तो हमारे यहाँ दामाद जी का पैर सासू माँ ससुर जी छूते हैं, ना कि दामाद जी ससुर सासू माँ का पैर छूए, ये उचित नहीं माना जाता है, ये तो एक तरह से पाप हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे सब लोग मुंह दिखाई दे रहे हैं बारी बारी से, और जिनके जिनके दामाद जी हैं, जिनके जिनके नंदोई जी हैं छोटे, तो वो लोग जो है वो पैर छूते हैं क्योंकि नंदोई जी भी दामाद के समान छोटे होते हैं हमसे, तो वो भी दामाद के समान। साली वगैरह यहाँ पे जितने हैं सब लोग फिर मुंह दिखाई में सारी चीज़ें देती हैं, बर्तन वगैरह साबुन मतलब सिंगार की चीज़ें, जिसको जो गिफ्ट वगैरह जो अच्छा लगे वो देती हैं। और भाभी यहाँ पे ली थी लाची, तो लाची लेने की तुरंत बाद खिलाया जाता है सबको पान, लेकिन बड़ी अम्मा ने आके पहले ही मुँह दिखाई दे दिया था, तो फिर ये चीज़ें लेट हो गई। लाची लेने के बाद भाभी जी का भी मजाक करने का पद बनता है, लेकिन इन्हें मौका ही नहीं मिला। ये लाची लेके सीधा लाची को रखने के लिए चली गई थी, लेकिन इन्होंने रसगुल्ले नहीं खिलाए थे, तो अब इनको खिलाना है रसगुल्ले। नहीं ले फायदे कह दिए। आगे बनाओ तो दोस्तों देखिए अभी मुंह दिखाई का जो रसम है ना वो हो चुका है, और ये है मेरी बुआ, मुझसे बड़ी है पर मुझे पता नहीं कैसे छोटी हो गई तो अभी अब लड़ाई चल रहे हैं, वही जो नेक का होता है शादी ब्याह में रसम, अब जूता की चुराई देना रह गया है लड़के वालों को, तो बस दूल्हा और दूल्हा के जीजा जी जो है वही लोग, दूल्हा के जीजा जी और दूल्हे के बड़े भाई वही लोग सारे नेक वगैरह दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कितना जूता चुराई मिलता है, वो आप सभी को बताते रहेंगे।
और सब लोग यही पे, इसके बाद ही विदाई का जो है वो रस्म शुरू होगा, प्रोग्राम जो भी रहेगा। हाँ मुझसे बराबर हो गई, तब भी नहीं बराबर हुई, ऊंच के ऊंचे पे खड़ी हो गई, फिर ये बराबर हो गए, तब भी छोटी है, पता नहीं कैसे। तो मुंह दिखाई के समय भी यहाँ पे गाली गाने का रिवाज है दोस्तों, तो वो भी गाली वगैरह हो गई है। उसके बाद सब लोग आ रहे हैं नीचे, अब जो है विदाई, पहले परछन उसके बाद विदाई, ये जो रस्म है वो बिल्कुल दिल को दहला देने वाला, एकदम इमोशनल, सबके आंखों में बिना आंसू आए, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा पल हो रहा है ना कि अभी सबके आंखों में आंसू देखने को मिलेंगे। आप लोग सब लोग ना, जिनको रोना आता है वो भी, जिनको नहीं आता है वो भी रोने लग जाते हैं। तो पहले दुल्हन को विदाई के लिए देखिए इस ड्रेस में तैयार कर दिया गया। जो विदाई के कपड़े होते हैं वो ससुराल की तरफ से सभी के यहाँ शायद आते होंगे, ये रिवाज हर जगह होता होगा जहाँ तक मुझे पता है। इसके नहीं तो फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आटे का दीपक अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा था नाचू के टाइम, और ये आ गया है परछन हो रहा है अभी, तो ये परछन का टाइम हो गया। कुछ इस तरह से इस दीपक को करना है, और यहाँ पे भी एक कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन ये होता है दीपक लोकने का, यानी दीपक किसी न किसी के हाथ में चला जाता है, तो बड़ा ही शुभ मानते हैं लड़के की तरफ के लोग। लेकिन सासू माँ का भी यहाँ पे थोड़ा सा समधी जी से मजाक करने का पद बन जाता है, तो वो चारों तरफ घुमा घुमा के दीपक को फेंकती हैं, चारों तरफ लोग लगे हुए हैं दीपक को कैच करने के लिए, तो कोई ना कोई कैच कर ही रहा था। उसके बाद सूप में रहता है अक्षत और दही, पांच बारी जल डाल के तीन बार दूल्हे और दो बार दुल्हन की तरफ इस तरह से गिराया जाता है सूप से। तो ये जो रस्म है वो भी हो चुका है। उसके बाद सूप को चारों तरफ से घुमा के फेंका जाता है, तो कोई ना कोई कैच करने के लिए इसको भी तैयार ही रहता है बारातियों की तरफ से, और ये सूप जो है वो फिर बाराती वाले अपने घर की तरफ ले जाते हैं। कैच ले के मोबाइल रहे जा लेके आवा अपन हर के ऊपर हम दे ले वो का अपने घर में रख के नहीं मानी मेहमान बस बस कैसे करूं, बस तो अभी आई ही नहीं। दीदी कैमरा कितना साफ है, इतनी तुम लोग गोरी लग रही हो, पहले सोचो। दुल्हन की विदाई करने से पहले यहाँ पे बहुत सारे सामान होते हैं जो घर से निकालना, दुल्हन बारात के नाम से, यानी जिसको दौरी बोलते हैं, मीठा, सुगुन की चीज़ें, ये सब सगुन की चीज़ें मानी जाती हैं। तो बहुत सारी सगुन की चीज़ें होती हैं जो दूल्हे वालों को दिया जाता है उनके हाथ में, फिर वहाँ पे गाड़ी पे रख दिया जाता है। और अब बचा है आखिरी रस्म सबसे दोस्तों, विदाई का, दुल्हन की विदाई का। विदाई के जो है टाइम यहाँ पे सब लोग एकदम से, मतलब पहले तो खूब हंसते हैं, ये जा रहा है दुल्हन का संदूक जिसमें दुल्हन के कपड़े, मेकअप के सामान, उनकी ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें इसमें हैं, और ताला बंद करके दुल्हन को लॉक करके, यानी कि लॉक लगा के सामान नहीं दिया जाता है। तो दुल्हन के संदूक को यहाँ पे खोला गया, सिर्फ उसमें लॉकर को लटका दिया गया ताकि बाद में वो लोग ताला को यहाँ से निकलने के बाद बंद कर ले, क्योंकि घर से निकलते टाइम संदूक में ताला नहीं लगना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे विदाई की रस्म शुरू हो गई है, और ये बहुत ही दोस्तों अभी एडिटिंग कर रही हूँ, मेरा रोम रोम जो है वो खड़ा हो रहा है वीडियो को देख करके। और हर लड़की रोती है, हर लड़की जिसकी शादी हुई है ना वो तो और ही रोती है, क्योंकि इसके बाद हम पराई हो जाती है ससुराल में, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जो कुछ भी हमारे ऊपर बीतेगा वो हमें ससुराल में सब कुछ सहना पड़ता है, और अपने परिवार में एकता बना के रखनी पड़ती है, मायका और ससुराल के सबका मान सम्मान, इज्जत मर्यादा सब कुछ रखना पड़ता है। तो ये देखिए भाई आ गए,
विदाई के टाइम बड़े पापा नहीं थे, तो फिर बुलाया गया और बड़े पापा भी यहाँ पे रो रहे हैं। सब लोगों की आंखों में आंसू है। और उसके बाद दोस्तों अब दुल्हन को ले जाया जाएगा सड़क पे, क्योंकि जो गाड़ी है ये मोहल्ला ऐसा है ना, यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती है। बारात भी वहीं पे ठहरी थी रोड पे, तो रोड तक बाइक से जो है वो मंदीप लेके जा रहा है दुल्हन को छोड़ने के लिए। पीछे पीछे विदाई वाले सारे लोग, हम सब लोग वहीं पे चल रहे हैं, सारे लोग वहीं पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा रास्ता है, तो वहाँ पे गाड़ी लगी है और दूल्हे राजा गाड़ी में पहले से हैं और हम लोग अब चल रहे हैं वहीं पे। और मौसम यहाँ पे ख़राब हो रहा था दोस्तों, पता नहीं कि अब अचानक से, सुबह तो सब कुछ ठीक ठाक था। तो ये देखिए दोस्तों, विदाई के बाद एक और रस्म बचती है। इस रस्म को हमें भाई जो है अपना जूठा पानी बहन को पिलाता है। और मेरे ख्याल से भाई बहन का रिश्ता हमेशा बना रहे, प्यार मोहब्बत दोनों में बनी रहे, इसीलिए शायद इस रिवाज रस्म को किया जाता है। भाई जो है वो अपने मुंह से पिचकारी मारता है, गाड़ी के उस पार पानी को डकाता है, और ये 5 बारी करना पड़ता है विदाई दुल्हन के जाने से पहले, इसको 5 बारी करना पड़ता है। और वही जूठा पानी जो है वो दुल्हन को पिला दिया जाता है। बोलते हैं कि दुल्हन प्यासी हो गई होगी, वो रोई है, इतना बिलखी है, पता नहीं कुछ खाई है नहीं खाई है, टेंशन में है, मतलब सारी चीज़ें को देखते हुए दुल्हन को भाई का जूठा पानी पियाया जाता है। और उसके बाद जो है दोनों तरफ से भाई को गाड़ी के इस पार और उस पार, मतलब ऐसा पिचकारी मारना है कि गाड़ी के उस पार ढाक। बादल इतनी ज़ोर ज़ोर से कड़क रहा है और बारिश होने लगी है दोस्तों। सब लोग अभी देखिए खड़े, मैं अभी को लेके चल रही हूँ घर के अंदर, बिजली भी इतनी तेज़ कड़क रही है और बारिश होने लग गई है। बताइए भगवान जी को थोड़ा सा ना हो रही, बहुत गड़गड़ाहट सुनाई दे रहा है आप लोगों को, बहुत तेज़ गड़गड़ाहट हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है भैया चीरी वगैरह ना गिरे, इसलिए बच्चों को लेके मैं भागी जा रही हूँ अंदर। तो मुझे चीरी से बहुत डर लगता है, यहाँ पे एक बार हो चुका है, इसलिए मुझे भैया बड़ी दिक्कत। भाग चलो अंदर चलो अंदर चलो।